नमस्कार दोस्तों, ये पायल जो उनका भाई है, पता नहीं बड़ा है कि छोटा, आप लोग खुद ही पता लगा लेना। लेकिन हाँ, ये तो पक्का है कि ये पायल जो उनका ही भाई है। ये व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए ऐसा हद तक गिर जाता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ता ये। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ये कभी सौरभ जोशी के बारे में उल्टी सीधी बात करता है, कभी ट्रिगर्ड इंसान के बारे में बात करता है। अब तो इसने हद ही कर दी, ये तो बॉबिस तक तो भी पहुंच गया। अरे स्टार अमित छपरी यूट्यूबर, तू इतने हद तक गिर गया, तेरे में तो कुछ शर्म ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, तू अपने नाम के आगे स्टार क्यों लगाता है? ना तेरी शक्ल है स्टार जैसी, ना तेरी अक्ल है स्टार जैसी। लोगों को तू उस यूट्यूबर के बारे में तू गलत साबित करना चाहता है, तो क्यों लगाता है वे? अरे स्टार अमित साले, तू अपनी सड़े हुए जिंदगी में कुछ अच्छी चीज़ों को भी कर लिया कर। बातें कर लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है साले, सड़े हुए टमाटर के जैसी बात बनाता है और उल्टा सीधा लोगों को भड़काता है। तेरे जैसा नल्ला कुचल्ला आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन हाँ हाँ, एक याद आया, एक तेरी बहन भी तो है पायल जोन, वो भी तेरे ही जैसा करती है, दोनों एक ही जाति को हो। अरे मैं क्यों भूल जाता हूँ, ये दोनों तो भाई बहन है। अरे बेवकूफ़, तेरे को कैरी मिनाटी ने एक बार रोस्ट कर दिया ना, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। ये सब बंद कर और कुछ अच्छी चीज़ बनाने का कोशिश कर, समझे? लोगों को अच्छी चीज़ें बता ताकि वो इंस्पायर हो सके और कुछ सीख सके, नहीं तो तू और तेरी बहन लाइफ टाइम तक यही काम करते रहोगे। गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में 1 लाइक = 1000 चप्पल जरूर लिखना। अच्छा कम पड़ रहा है तो 1 लाख लिख देना, ये तो करोड़ों के लायक है। लेकिन छोड़ दो, थोड़ा सा बकस दिया जाता है, इसको 1 लाख लिख देना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं तो कभी ये बड़े बड़े यूट्यूबर को टारगेट कर रहा है, भविष्य में कभी आप बनोगे यूट्यूबर तो कभी आपको भी करेगा। इसलिए आप 1 लाइक = 1 लाख चप्पल लिखना बिल्कुल भूलिए, ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। और सुन स्टार अमित, ये सब बंद कर और कुछ अच्छा चीज करने का कोशिश कर, समझे? ये देखिए, ये स्टार अमित है, देख रहे हैं कैसे फोटो खिंचवा रहा, किधर पोज दे के, कैमरा सामने है, पोज इधर का दे रहा है। और अरे ये कैसा छपरी पोज है, एक हाथ गर्दन पे और ताक रहा है उधर के। तो गाइज, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर इसकी अकल ठिकाने जरूर आएगी और आगे किसी को परेशान करने का कोशिश नहीं करेगा। छपरी लोगों को उसी के अंदाज में दिया जाता है जवाब। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।